टड़ंग 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 500 रुपए में मैं कितना स्ट्रीट फूड खा सकती हूँ, लेट्स फाइंड आउट। हाय गाइस, आई एम प्रियंका और आज मैं करने वाली हूँ 500 रुपीज स्ट्रीट फूड चैलेंज इन उदयपुर। कम ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, आज को स्ट्रीट फूड चैलेंज करने के लिए मैं आ गई हूँ उदयपुर के बहुत ही फेमस फतेह सागर लेक पे, और यहाँ पे लगता है बहुत बड़ा स्ट्रीट फूड मार्केट। तो चले चल के देखते हैं कि आज यहाँ 500 रुपए में हम क्या क्या खा पाएंगे। सो गाइस, सबसे पहले मेरी नजर गई है मेरे फेवरेट पनीर टिक्को पे। देखो देखो क्या मस्त मस्त, हाय हाय क्या मस्त मस्त ललाहट वाले पनीर के टिक्के शिक्के लगे। और ये देखो यहाँ कोयले की सिगड़ी पे इनको सेका जाएगा। तो भैया ये पनीर के टिक्के कितने के दिए? 180 रुपए का। अरे बाप रे बाप गाइस, 500 रुपए का तो चैलेंज है। 180 रुपए के इतने पनीर खा लिए तो आगे क्या खाऊंगी मैं? बस ये चाहते यही खा लू, यही खा लू। ये देखो इन्होंने बोला बस आप यही खा लो। नहीं नहीं भैया, बहुत सारा खाना खाना है मुझे। बहुत अच्छा टेस्ट है, बहुत अच्छा टेस्ट है, एकदम झकास है। कि हमको अगर आधी प्लेट लेना चाहे तो दे दोगे? अरे दे दो भैया, आज हमको ना 500 रुपए में कम से कम बड़ा सारा खाना दिखाना है। तो बच्चे को सबसे शुरुआत कर रहे हैं, अब टिक्के 180 में चले गए तो 500 में तो क्या इक्का दुक्का ही खाना खा पाएंगे हम? मुझे लगता है यहाँ सारा खाना बहुत महंगा है ना, बहुत महंगा। अरे बाप रे बाप, यहाँ तो आज तो चैलेंज करना बड़ा मुश्किल होने वाला है। मेरे कहने पे आधी प्लेट लगा दो, लगा देंगे। अरे वाह क्या बात है, भैया मान गए मेरे चैलेंज के लिए, तो चलिए लगा दीजिए। क्या गजब की है, देखिए ऐसे सलाखों के अंदर टिक्के मस्त लगे हैं कि बस देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। ये देखिए गाइस, इन टिक्कों के ऊपर मस्त मस्त बटर लगाया जा रहा है, तभी इनकी ना एकदम आग पकड़ ली है कोयलों ने। सो गाइज, ये आ गए मेरे एकदम मस्त वाले पनीर टिक्के जो मुझे पड़े 90 रुपीज के। जस्ट हावर हो गए, देखिए क्या मोटे मोटे, ये देखो गाइज क्या मोटे मोटे पनीर के पीसेस दिए भैया ने। ये तो देखो घूम भी नहीं रहा, यहाँ तो मेरी टूथपिक ही घूमे जा रही, पर ये पनीर का टिक्का नहीं घूम रहा। अरे क्या क्रस्ट डेवलप हुआ है, देखो क्लोजअप लाओ भाई, ये देखो कितना बढ़िया भैया ने कोयले के अंदर इसको सेका, एकदम मस्त वाला। गजब बने हैं ये पनीर के टिक्के, मतलब इनके अंदर ना इतना स्मोकी फ्लेवर आ रहा है, ये अच्छे खासे स्पाइसी पनीर के टिक्के बने, अदरवाइज काफी मसालेदार होते हैं। और इनके अंदर वो जो कोयले का फ्लेवर आ रहा है ना, ओहो एकदम माइंड ब्लोइंग आ रहा है। इनका पनीर का क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, एकदम मखमली पनीर है, एकदम मलाई पनीर है। इन्होंने बहुत अच्छे टिक्के बनाए। सो गाइस, अब आपको मैं उदयपुर की बहुत फेमस चीज दिखाने वाली हूँ, वो है यहाँ के सैंडविचेस। एंड गाइस, यहाँ इतनी सारी ब्रेड और अमूल का बटर रखा था ना कि मेरा दिल यहाँ पे आके रुक गया, क्योंकि अमूल के बटर में बनी हुई सैंडविच मुझे पर्सनली बड़ी अच्छी लगती है। और ये जो डब्बे दिख रहे हैं, मुझे लग रहा था पहले का इनके अंदर मुरब्बा होगा, बट नहीं, यहाँ पे तो केचप रखा है गाइस। यहाँ इतना केचप खाते कि भैया को इतनी सारी बर्निया रखनी पड़ गई केचप की, मुझे लगता है। एंड ये इनकी कार्ड है 1985 से, जोगड़िया माँ वेजिटेबल सैंडविच। तो चलो यहाँ पे वैसे गाइस बड़े सारे सैंडविचेस लगे, और मुझे जो सबसे महंगा सैंडविच दिख रहा है वो है 90 रुपीज का। तो वैसे इन्होंने वेज चीज अलग लिखा है, आलू वाला अलग लिखा है। अब देखती हूँ इनकी मिलीजुली सरकार में बनवा पाती हूँ भैया से कि नहीं। तो आ जाओ गाइस, ये देखिए यहाँ पे तो भैया धका धक अमूल की बटर लगा के सैंडविच जो है सेके चले जा रहे हो। एंड यहाँ पे मैं देख रही हूँ बहुत सारा जो है अमूल का बटर इस सैंडविच में लगाया जाता है। तो भैया एक बात बताइए कि ये जो आलू वाली सैंडविच हो, जो वेजिटेबल सैंडविच हो, दोनों में फर्क क्या है? ककड़ी टमाटर प्याज डाल के हम टोस्ट करते हैं, विद चीज चाहिए तो विद चीज या विदाउट चीज चाहिए विदाउट चीज। हाँ, और वो आलू का मसाला मुझे दिख रहा है, आलू का मसाला है, वो आलू का मसाला हम बना के लाते हैं। अगर आलू मसाला चीज चाहिए तो आलू का मसाला, तो आलू के मसाले में सब्जी नहीं आएगी और सब्जी वाले मसाले में आलू नहीं आएगा, एकदम ऐसा ना? तो आप इसको मिला जुला के भी बना देते हो कि नहीं? नहीं बनाएंगे। अच्छा, मतलब मिली जुली सरकार यहाँ नहीं बनेगी। तो मैं तो मुझे आलू वाला लगा दो, विद चीज लगाना। कितने का पड़ेगा? 90 रुपीज का। ठीक है गाइस, मैं आलू वाला सैंडविच खाऊंगी और उसके साथ अलग से ना इनसे सैलड भी लूंगी। तो चलो देखते हैं हमारा सैंडविच कैसे बनाते हैं। ये देखिए गाइस, यहाँ मेरा सैंडविच बनना स्टार्ट हो गया। सबसे पहले डाली गई अमूल की एकदम मोटी मोटी चीज स्लाइस, एंड अब इसके ऊपर आएगा इनका आलू का मसाला। ओ वाओ, एंड अब इसके ऊपर आ गई गाइस एक और चीज स्लाइस, दैट्स लवली। बहुत ही सिंपल सा ये दिख रहा है सैंडविच, एंड लेट्स सी कि इसका टेस्ट कैसा है। ओ माय गॉड, भैया ने तो पूरा अमूल का बटर जो है ये गैस वाले टोस्टर के अंदर भर दिया, बहुत सारा बटर इसके अंदर गया गाइस। एंड आई एम श्योर ये बहुत ही मस्त मस्त एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी बन के आएगा। यानी कि कितनी बार अल्टी पल्टी करके भैया बार बार चेक करते हैं कि क्रिस्पी क्रिस्पी हुआ या नहीं, बहुत बढ़िया टेक्निक है इनकी। भैया एक बात बताइए, इस एक टोस्ट के अंदर कितने ग्राम मक्खन डाल देते हो आप? मैं देख रही थी डाले जा रहे थे तो मतलब कितना सारा मक्खन डाल देते हो एक ही टोस्ट में? इसमें तो
तो हमें कोई अंदाजा है नहीं, अंदाजा ही नहीं है। 500 ग्राम की जो टिक्की होती है कितने में, मुश्किल से 8-9 सैंडविच बनते हैं। 8-9 सैंडविच बनते हैं, अरे बाप रे, अब तो मतलब 50 ग्राम एक सैंडविच के अंदर आराम से बटर आता है। उसके साथ साथ गाइस दो चीज स्लाइस भी आई है सिर्फ 90 रुपीज में। सो गाइस ये आगे मेरी 90 रुपीज की आलू मसाला एकदम वेज सैंडविच। सो जस्ट हैव अ लुक, देखिए कितनी गॉर्जियस ये सैंडविच दिख रही है। एंड इसमें एक बहुत अच्छी चीज लगी मुझे कि आलू का मसाला तो इसके अंदर, और साथ में भैया देते इतना सारा सैलेड, खीरा है, प्याज है, टमाटर है, यहाँ पे दिए दो दो तरीके की चटनियाँ। सो कम लेट्स डिग इन। ऑलराइट, जरा पहले चटनियाँ लगाती हूँ जिसके मर्तबान यहाँ पे इतने सारे रखे हुए हैं। माय गॉड, दिस इज सो गुड, सो गुड, सो गुड। मतलब मैं इसकी कितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। ये सैंडविच इतनी ज़्यादा बटरी है, चीज़ी है, मतलब चीज़ तो इसके अंदर इतना ज़्यादा है, और बटर में तो जो भैया ने इस सैंडविच को बटर बात कराया ना उससे इतना ग्लेज आया है, इतनी कुरकुरी ये सैंडविच है। एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, इनका जो आलू का मसाला है वो काफ़ी सटल है, एंड इस सैंडविच को बिल्कुल भी तीखा वीखा या मसालेदार नहीं करता है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बताऊँ अमूल के बटर का स्वाद आ रहा है। सो आप भी जब उदयपुर में फतेह सागर लेप पे आओ ना, तो जोगड़िया जी की सैंडविच खाने जरूर आना। सो गाइस अब एक ऐसी फूड कार्ट पे आ गई हूँ जो कि जैसे बॉम्बे में उडबी रेस्टोरेंट होता है ना वैसी एकदम है, क्योंकि इनके पास बहुत कुछ और सब कुछ ऐसा है जो मेरे पसंद का है। तो देखो यहाँ पे पानी पूरी भी मिल रही है गाइस, भेल पूरी भी है, पापड़ी चाट भी है, साथ ही साथ हाय हाय मैगी भी मिल रही है, और तो और गाइस यहाँ पे मोमोज हैं, सोडा शिकंजी है, एंड स्प्रिंग रोल तक, अरे बाप रे, स्प्रिंग रोल तक इस छोटी सी कार्ट के अंदर मिल रहे हैं। आई कैन बिलीव दिस। तो भैया ये बताइए मैगी कितने की है, वेजिटेबल डालेंगे तो कितने पैसे बढ़ जाएंगे, 80 की हो जाएगी? अच्छा तो गाइस हमने तो ऑलरेडी बहुत सारे पैसे ऑलरेडी फूक चुके, तो हमें तो प्लेन मैगी बना देना 60 रुपए की। मक्खन डालोगे उसमें? डाल देंगे भैया ने कहा आपके लिए डाल देंगे, चलो तो डाल दीजिए। तो चलिए हम दिखाते हैं हमारी प्लेन मैगी कैसे बनती है। आइए, भैया ने बढ़िया सा स्टोव के अंदर जो है हमारी मैगी चढ़ा दी है, और ये क्या भिन्न भिन्न प्रकार के मसाले डाले चले जा रहे हैं। देखो सब कुछ यहाँ पे सजा धजा है। तो मतलब आपको ये ख्याल कैसे आया कि मुझे अपनी कार्ड में सब कुछ रखना है, जो आदमी बोले मुंह से वो आपने हाजिर कर दिया? टूरिस्ट आते हैं तो जो चीज मांगते रहते, तो हमें लगता है कि अगले साल ऐसा करना चाहिए कि उनकी डिमांड पूरी हो। ऐसा तो नहीं होता, कई सारे लड़का लड़की आते तो किसी की एक डिमांड, किसी की एक डिमांड, किसी की एक डिमांड, तो सबकी डिमांड आपने एक साथ पूरी करने का एकदम, कस्टमर आके बैठ जाए तो मतलब बैठ जाए तो हिले ही नहीं, एकदम फेविकोल की तरह चिपक जाए। ये देखो भैया का आइडिया एकदम सही है, एकदम फेविकोल की तरह चिपक जाना चाहिए कस्टमर। ये देखिएगा इस पैन में चलेगी फटाफट से मेरी मैगी, और अब आ गया इनका मैगी का मसाला। ये देखिए गाइस यहाँ मैगी के अंदर आ गया है ढेर सारा बटर शटर, अब मैगी खाने में आएगा बहुत मजा। सो गाइस ये आ गई मेरी 60 रुपए की मस्त प्लेन मैगी। सो जस्ट हैव अ लुक, देखिए भैया ने हमारे स्पेशली कहने पे डाला है बहुत सारा इसके अंदर बटर। अब जरा बटर को हम मिक्स एंड मैच करते हैं। क्या ग्लेज आया हमारी मैगी के ऊपर, ये प्लेट इतनी ज़्यादा गर्म है कि मेरा नीचे हाथ जो है ना एकदम कप कपा रहा है, जले जा रहा है। प्लेन मैगी में ना जब डबल मसाला और डबल बार बटर पड़ जाए तो मैगी खाने में ना एकदम आनंद ही आनंद आ जाता है। हर जगह की मैगी का अपना अलग स्वाद है, पहाड़ों वाली मैगी अलग होती है, लेकों वाली मैगी अलग होती है, समुंदर झीलों वाली मैगी अलग होती है, समुंदर किनारे वाली मैगी अलग होती है, हर मैगी में अलग 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 स्वाद आता है। अब ये स्वीट कॉर्न, मसल कॉर्न, बड़वान, चीज कॉर्न, फैल, सिके और भुट्टे, इतने सारे भुट्टों के नाम लिए, हमें कौन सा भुट्टा खिलाओगे, और कितने कितने के उबला हुआ भुट्टा कितने का है? 40 रुपीज़। 40 रुपए का, पर वो उसमें लगा रहेगा कॉब में या निकाल के दे दोगे? दोनों हो जाएगा। तो निकाल के देंगे तो कितना होगा? 50 रुपीज़। 50 रुपए का, अच्छा मतलब 10 रुपए निकालने की मेहनत, कोई बात नहीं ले लीजिए चलेगा, आप मेहनत करेंगे तो 10 रुपए हम देंगे। तो ये भुट्टे मीठे निकलेंगे कि नहीं? एकदम आपकी तरह गारंटी के साथ, जैसे ये एकदम मीठे मीठे मुस्कुराने वाले भैया हैं ना, इनके भुट्टे भी ऐसे एकदम मीठे मीठे मुस्कुराते हुए निकलेंगे। देखो इतना बड़ा भुट्टा भैया ने निकाला हमारे लिए, क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो मुझे अमेरिकन कॉर्न दिख रहा है गाइस, एकदम मोटू मोटू फूलू फूलू कॉर्न दिख रहा है मुझे, इसके दाने तो वाकई बहुत बड़े बड़े हैं। एंड मुझे लगता है गाइस 50 रुपए के अंदर बहुत सारे भुट्टे निकल के आए हैं, अब इसके अंदर भैया डालेंगे अपने नींबू मिर्ची मसाले। ये देखो गया एक स्पेशल इनका मसाला, आहा धगा धक। ये देखिए दबा दिया एकदम नींबू चढ़ा चट। सो गाइस ये आ गया हमारी 50 रुपीज के मस्त उबले उबले कॉर्न, देखो देखो यार एकदम मोतियों के दाने की तरह दिख रहे, इतने मोटू मोटू। चलो अभी हम खा के बताएंगे कि ये मीठे हैं या नहीं।
सच बोला आपने, जैसी इनकी मुस्कुराहट है ना वैसे ये कॉर्न के दाने एकदम मीठे मीठे, एकदम कातलाना कातलाना है। बाकी यार अगर यही इसका आधा आप कॉर्न पिक्चर हॉल वॉल में खाते हो ना तो आपको 300-400 रुपए का चिपका देते, बट यहाँ 50 रुपीज के अंदर गए ये फुल पैसा वसूल कॉर्न है। ये सबसे अच्छी बात है ये बहुत ज्यादा मीठे है, इसमें हल्का सा मसाला गया, एकदम परफेक्ट है ये। गाइस जैसे जैसे रात होती जा रही है यहाँ उदयपुर में हल्की हल्की भीनी भीनी सी ठंड होती चली जा रही है, तो ठंड के मौसम में हमने सोचा अपना गला ठीक करने के लिए क्यों ना हम ये कढ़ाई वाला केसर वाला दूध पिए। देखिए भैया ने तो ऐसी मलाइयाँ निकाल के इसमें रखी है कि देखकर ही मज़ा आ रहा है। साथ में देखिए इनके यहाँ पे गेवर भी मिलता है, ये थोड़ा सा मुझे सूखा सूखा लग रहा है पर इसमें दूध वूध डाल के रबड़ी डाल के देते हो गया ना, रबड़ी डाल के देते हो ना। और यहाँ पे फेनी फेनी, तो फेनी कैसे देते हो, यही दूध इसमें मिला देते हो, क्या बात है, पका देते हो फिर पूरा। अच्छा और दूध कितने का है, केवल दूध लूँ तो 60 का है। अच्छा देखो फेनी के साथ लोगे तो 80 है और बिना फेनी के लोगे तो 60 का है, तो सिर्फ फेनी 20 रुपए की, क्या बात कर रहे हो। अच्छा ऐसा करो मुझे ये फेनी के साथ ये वाला दूध ही दोगे ना, सादा थोड़े, पक्का यही केसर वाला, हाँ कढ़ाइया में से निकाल के दोगे। ये भी थोड़े से कंफ्यूज हो गए, तो मुझे फेनी लगा दीजिएगा। यहाँ सामने ही दूध निकाल रहे हमारे एकदम फ्रेश, आहा थोड़ा उछालेंगे क्या दूध को, थोड़ा लंबा लंबा ऊंचा ऊंचा, ये देखो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम कोई डाइटिंग वाइटिंग पे नहीं भैया, दबा के चीनी डालिएगा एकदम। अब देखिए यहाँ मिक्स एंड मैच होगा, अरे भैया हाथ मत जला लेना भैया अपना। ये देखिए यहाँ मिक्स एंड मैच, अच्छा ये फेनी डायरेक्ट ही चली जाएगी इसके अंदर, दैट्स लवली। देखो पूरा फेनी इन्होंने कुल्लड़ के अंदर जो है भर दिया है, आ हा हा, तो ये पक जाएगी, ये पकी हुई है, पकी हुई है। अच्छा और ये देखिए मोटी एकदम मोटी मलाई जो है हमारे कुल्हड़ के अंदर आ गई है, और इसमें थोड़ा पिस्ता विस्ता भी डाल दीजिए, लवली क्या सजाया आपने भैया एकदम मस्त तरीके से, थैंक यू। सो गाइज ये आ गया गर्मा गर्म 80 रुपए का फेनी एंड केसर वाला दूध, सो जस्ट है वो, क्या बढ़िया मोटी ताजी मलाई के साथ ये दूध को सजाया बजाया गया है, साथ में थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी डाले। एंड पर्सनली गाइज मुझे देखो मलाई खाना वैसे पसंद नहीं है, बट अब भैया ने डाल दिया तो मैं इसको थोड़ा सा किनारे खसका देती हूँ, तो अंदर से ना अपनी फेनी निकालती हूँ, तो देखो इस मलाई को क्या, इधर पहले थोड़ा दूध पी लेती हूँ गाइज। अरे फेनी तो इसमें अपने आप ही आ गई गाइस ऊपर, ये देखो ये मुझे लगता है गिर ना जाए, ये देखो आहा एकदम ये पतली वाली सेवइयां हैं गाइस जो हम लोग के घरों में बना करती हैं, इतनी मीठा मुझे लगता है थोड़ा कम है, मुझे थोड़ी सी और चीनी इनसे डलवा लेनी चाहिए, बट पहले मैं थोड़ा सा दूध और कम कर लेती हूँ ताकि चीनी मिलाते मिलाते मेरा दूध ना गिर जाए। पूरे कुल्हड़ के अंदर ना ऐसा मिट्टी मिट्टी वाला स्वाद जो आ रहा है ना वो बहुत बढ़िया लग रहा है, प्लस का स्वाद है दूध में पूरा का पूरा इन्फ्यूज हुआ है, वाकई काबिले तारीफ है। गाइस उदयपुर में एक चीज बहुत ज्यादा फेमस है जो आपको सब जगह बहुत ज्यादा क्वांटिटी में देखने को मिल जाएगी, वो है यहाँ की पाव भाजी। मुझे तो लगा था मुंबई में इसे सबसे ज्यादा पाव भाजी खाई जाती है, बट नहीं उदयपुर ने तो मुंबई को भी मात कर दिया, तो यहाँ देखिए मिल रही है एकदम मस्त तरीके की पाव भाजी, तो चलो पता करें कितने की है, क्योंकि अब मेरे पास बचे सिर्फ 130 रुपए, जिसके अंदर गाइस मुझे डिजर्ट भी खानी और मुझे इनकी पाव भाजी भी ट्राई करनी, तो चलो भैया को जरा मस्का मस्का लगाते और देखते कितने की है, आ जाओ। अच्छा पहले तो ये बताओ क्या क्या मिलता है आपके यहाँ। मेरे यहाँ सब मिलता है, पाव भाजी, मैगी, दाबेली, बर्गर, टिक्की छोला, पापड़ी चाट, दही पूरी, सेव पूरी, पानी पूरी। ये बताओ पाव भाजी कितने की है। पाव भाजी 90 का है। 90 का है, बटर मारोगे। बिल्कुल मारेंगे बटर, बिल्कुल मारेंगे बटर, और थोड़ा कम में नहीं हो सकता क्या। नहीं कम में नहीं हो सकता, 90 ही देने पड़ेंगे हमको, तो चलो लगा देना एक बटर वाली पाव भाजी। ये देखिए गाइस यहाँ मेरी पाव भाजी स्क्रैच से बनना स्टार्ट हो गई, भैया ने एकदम काटे बारीक टमाटर और अब काट रहे एकदम बारीक बारीक कैप्सिकम, और ये देखिए उबला हुआ पानी जो है उबल उबल के उबल रहा है, और इसके अंदर सारी सब्जियां भी पकेंगी धगा धक धगा धक धगा धक। और ये आ गए एकदम उबले हुए मटर, ये देखिए ये आ गई पत्ता गोभी, ये देखिए अब ये पाव भाजी का क्रशर आ गया जिससे सारी सब्जियां एकदम खिचड़ी की तरह मिल जाएंगी, और अब इसके अंदर जाएगा एकदम मस्त मोटा मोटा आलू, ये देखिए भैया ने फटाक से फोड़ दिया पूरा का पूरा आलू, अब जो है ना ये बनेगी असली पाव भाजी। और अब आलू को एकदम क्रश करके जो है पाव भाजी के अंदर एकदम सारी सब्जियों के साथ मिला जुला देंगे, और अब हमें लगता है इसमें बनेगा छौकन। ये आ गया बटर शटर, ये देखिए आ गए एकदम बारीक कटे हुए प्याज, और अब आया इनका कोई तो भी स्पेशल स्पेशल मसाला वसाला, ये आए एकदम कातिलाना वाली मोमोज की चटनी लगता है पाव भाजी में मिक्स एंड मैच करी गई, और ये आ गया नमक शमक, और ये जो मोमोज की एकदम डेडली चटनी है ना ये पाव भाजी में कमाल डालेगी, और आ गया इनका पाव भाजी मसाला, इसके साथ बहुत सारे मसाले भैया मिलाए चले जा रहे हो, ये बना असली तड़का।
क्या बात है, अब आएगा पाव भाजी के अंदर असली कलर। ये देखिए पूरी पाव भाजी बन के तैयार होगी। और अब बारी आई गाइस पाव सीखने की। यहाँ के पाव मैंने देखा है उदयपुर के थोड़े से अलग हैं, ये काफी मुलायम होते हैं। और इसको बटर बाद दिया जाएगा एकदम मक्खन के अंदर। ये सारे के सारे पाव सीखेंगे। देखो भैया जा पाव के अंदर भी थोड़ा थोड़ा सा जो है जीरा शीरा डाल दिया, धनिया वनिया डाल दिया, एकदम मसाला पाव बन के निकलेगा ये। सो गाइज ये आ गई मेरी 90 रुपीज की पाव भाजी। सो जस्ट हैव अ लुक, ये देखिए भाजी के ऊपर इतना सारा बटर शटर डाला है। तो इसको तो मैं आराम से मिक्स एंड मैच कर देती हूँ ताकि पूरी भाजी के अंदर ना मेरा खूब सारा बटर का स्वाद आ जाए। साथ में ये देखो एकदम बटर बात करे हुए पाव है, साथ में सैलेड है, प्याज टमाटर और यहाँ पे नींबू शिम्बू दिया है। ये पाव देखो यार एक उंगली से टूट जाते हैं यार, इतने मखमली पुआ है, पुए नहीं गाइस पाव है पाव। मुझे वैसे उदयपुर के अंदर ना ये पाव वाकई बहुत कमाल के लगे, इतने सॉफ्ट एंड इतने बटरी बना देते हैं भैया कि एकदम एक उंगली से आराम से टूट छूट जाते हैं। तो चलो अभी इनको डिप करते हैं अपनी मस्त मस्त भाजी के अंदर। गजब की भाजी बनाई है भैया ने, एंड इनकी डेडिकेशन की मैं दाद दूंगी कि सिर्फ मेरा ही ऑर्डर था पाव भाजी को, एंड भैया ने राइट फ्रॉम स्क्रैच पूरी भाजी तैयार करी है मेरी आंखों के सामने। एकदम एकदम मसालेदार भाजी है, एकदम कम स्पाइसी है जो मैंने बोला था, बट मसाला एकदम भरपूर तरीके से है, कुछ भी ओवर पावरिंग नहीं है, बहुत बढ़िया स्वाद है इस भाजी के अंदर। इट्स डिजर्ट टाइम गाइस, और डिजर्ट में खाने के लिए मेरे पास बचे पूरे के पूरे 40 रुपये। और फिर वापस दूध की कढ़ाई के पास आ गई, तो दूध तो मैं वापस नहीं पीऊंगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी फेनी वाला दूध पी लिया। इसके बाजू में देखिए गाइस, हाय हाय एकदम लप लपाते हुए गर्मा गर्म मोटू मोटू छोटू छोटू गुलाब जामुन दिख रहे हैं। हाय हाय इसको देख के तो मेरे मुँह में पानी आ गया। तो भैया ये कितने के है? 80 के 4 पीस। अच्छा तो हमारे पास तो 40 है, हमारे पास 2 आएंगे। एक कॉम्प्लीमेंट्री नहीं दोगे? नहीं दोगे, 2 ही दोगे, 3 नहीं दोगे हैं? मेरी प्यारी सी सूरत देख के भी 3 नहीं दोगे, 2 ही दोगे? हाँ ऐसे ज्यादा ज्यादा चीनी हो जाएगी, मुझे ज्यादा दौड़ लगानी पड़ेगी, कैलोरी बर्न करनी पड़ेगी। तो चलिए ऐसा करिए आप मुझे 2 ही दे दीजिए। यहाँ पे गाइस हम चैलेंज जीतते हैं क्योंकि सारे के सारे पैसे हमने कर दिए पुर खर्च। तो चलो अब देखो भैया यहाँ से निकालेंगे कढ़ैया में से 2 जो सबसे प्यारे और सबसे गोल मटोल हो ना वही ढूंढ के निकालना। तो गाइस ये आगे एकदम गोल मटोल से 40 रुपए के गुलाब जामुन, और ये देखो क्या ग्लेज है चाशनी का इसके ऊपर, एकदम गर्मा गर्म पाइपिंग हॉट आया। आए हाय क्या मुलायम, ये देखो हाय इसके अंदर कुछ काजू बादाम पिस्ते नहीं है, बट गाइस ये मावे वाले गुलाब जामुन है। तो चलो देखते हैं कि कैसे हैं। एकदम गजब की गुलाब जामुन है, मतलब आज के स्ट्रीट फूड चैलेंज की जो एंडिंग हुई है ना बहुत ही मजेदार और बहुत ही मीठी 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 हुई है ये गुलाब जामुन यार। सच बोलूं एकदम मुलायम मखमली और एकदम स्वाद भरा, एकदम मेरी तरह। आज के चैलेंज को करते हम यही खत्म। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब मिलूंगी किसी और चैलेंज में, तब तक के लिए बाय। लेट मी फिनिश माय गुलाब जामुन।